तो स्वागत है आपका माइनक्राफ्ट की ऐसी सीरीज में जिसमें कि प्रो से प्रो बंदा भी खेलने से डरता है। और अपना क्या, अपन तो बचपन से ही प्रो यार, हम तो माइनक्राफ्ट हार्डकोर खेलने से डरते भी नहीं है। अबे साले, हाँ माना कि पुनी चीज नूब का सरदार है भाई, बट यार माइनक्राफ्ट हार्डकोर खेलने के लिए थोड़ा तो दम लाना पड़ता है ना अपने अंदर, थोड़ी प्रोनेस दिखानी पड़ती है यार। तो वही प्रोनेस दिखा के आ चुका हूँ मैं माइनक्राफ्ट हार्डकोर खेलने के लिए। तो दोस्तों क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? नहीं। एक बार यार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और हाँ, ये है 1.19 वर्जन जिसमें कि यार नए नए मॉब है, जैसे कि वार्डन, एले, फ्रॉग और नई नई बायोम्स भी हैं यार, जिसमें कि मैंने सुना है वार्डन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है और इस सीरीज में हम उसी को मारने वाले हैं यार। बट आप लोग चिंता मत लो यार, मैं तो वार्डन को यू मार दूंगा यू, क्योंकि यार अपू नीचे तो प्रो है इधर। क्या बोला तूने? तो वार्डन को यू मार दूंगा यू, क्योंकि यार अपू नीचे तो प्रो है इधर। आई एम कॉन्फिडेंट। हाँ, मेरे को पता है कि मतलब वार्डन को मारना इतना आसान है, क्योंकि यार उसकी स्पीड एंड अटैकिंग मूवमेंट भी बहुत होता है और उसकी हेल्थ भी 50 होती है यार पूरी। तो आओ यार अभी स्टार्ट करते हैं अपनी हार्डकोर सीरीज का पहला एपिसोड, जिसमें कि हमें यार एक टारगेट लेके चलना है, जिसमें हम नेदर में जाना है यार, या फिर एक नेदर पोर्टल बनाना है हमें। फिलहाल यही गोल लेके करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो यार अभी स्पॉन होती है, मेरे को एक सामने केव दिखी और इधर एक ही इकलौता ट्री है, उसको भी जाके तोड़ लेते हैं। और इधर मेरे को एक केव में मिल गया और सामने ही आयरन पड़ा हुआ यार, बट सबसे पहले इधर से वुड ले लेते हैं। तो यार अभी मैंने 5 लोग ले लिया और अभी हम बना लेते हैं एक पिकेक्स। तो इधर केव में से स्टोन भी ले लेते हैं और स्टोन से की पिकेक्स बना के आयरन भी कलेक्ट कर लेते हैं यार। तो अभी मैंने 16 कोबल स्टोन ले लिया जो कि इनफ है, तो अभी ये स्टोन के टूल्स बनाते हैं और इधर से आयरन लेते हैं। फिलहाल मैंने अभी स्टोन की एक्स और पिकेक्स तो बना लिया, अभी जाके आयरन कलेक्ट कर लेते हैं यार। अभी इधर से मेरे को 5 आयरन मिल चुके हैं और यार इधर अंदर भी थोड़ी सी केव जा रही है और इधर भी थोड़े आयरन है, ये भी ले लेते हैं यार, क्योंकि स्टार्टिंग में आयरन हमें बहुत चाहिए होगा। तो यार मैंने इधर से आयरन ले लिया और इधर को भी एक केव जा रही है छोटी सी, इधर भी चल लेते हैं यार। पर सामने मेरे को कॉल दिख गया जिससे टॉर्च का इंतजाम हो जाएगा। और यार अभी एक ज़ॉम्बी ये मरने वाला था और ये दूसरा भी आ गया शॉवल लेके। तुझे क्या लगता है शॉवल? भाई मैं नीचे गिर गया, शिट भाई मैं गया, बेश बच गया। हेल्थ बहुत कम है, बट यार मेरी भाई माइनक्राफ्ट को मैं हार्डकोर की तरह क्यों नहीं खेल रहा हूँ? इसमें एक बार मर गए तो यार दोबारा रिस्पॉन नहीं हो सकते, पूरा वर्ल्ड चले जाएगा। सबसे पहले तो मेरे को अभी फूड चाहिए होगा अपनी पूरी हेल्थ फुल करने के लिए। तो यार अभी मैं इधर आ चुका हूँ कोल लेने के लिए, बट यार किस्मत कितनी गंदी है, कोल भी मिला तो मतलब बस एक कोल मिला, इससे 4 ही टॉर्च बन पाएगी यार। अभी फिलहाल केव के थोड़ा और अंदर एक्सप्लोर कर लेते, और ये सामने पहली क्रीपर आ गया भाई, फट जा तू फट जा। हाँ टॉर्च मेरी यार, टॉर्च भी फोड़ दिया नूबड़ा कहीं का। भाई मेरे केव के अंदर स्वागत ही ऐसा हुआ, ज़ॉम्बी क्रीपर ऐसी आते जा रही है बार बार। तो अभी केव के इस वाले केव में बाद में आएंगे, क्योंकि यार इस केव में बहुत ज़्यादा अंधेरा है। अब फिलहाल जो हमने स्टार्टिंग में केव देखी थी सामने की तरफ को, उधर चल लेते, क्या पता उधर आयरन वगैरह मिल जाए अपन को। हाँ तो ये केव आ चुके हैं सामने, यही केव है और सामने का मेरे को कुछ लोड, ये क्या हो रखा है भाई, ये क्या पूरा फारलिन टाइप का बना रखा है भाई यार, माउंटेन कटा हुआ है आधा सा। फिलहाल इसको बाद में थोड़ा दूर जाके देखेंगे, अभी मेरे को इधर आयरन और कोल भी मिल चुका है, इधर से पहले ले लेते हैं यार। भाई मेरे को डर लग रहा है कि मैं यहाँ से नीचे ना गिर जाऊँ, वैसे नीचे वाटर तो पड़ा हुआ है बट आधा तो माउंटेन ही है ना, इधर उधर ब्लॉक्स पड़े हुए बीच बीच में, और ना ही अपने पास अभी वाटर बकेट है जो वाटर बकेट करके बच भी जाऊँ। तो यार इधर से मैंने अभी आयरन और कोल ले लिया, बट अभी हमें थोड़े और आयरन चाहिए होगी, बट उससे पहले यार थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं इस वर्ल्ड को। और मेरे पे अभी फूड भी ख़त्म हो गया है, तो फूड भी रास्ते में कलेक्ट करते रहूँगा मैं बार बार। तो यार ये देखो इधर से कितना ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है ये चीज़। फिलहाल यार अभी ढूंढते कोई लावा पूल, बट एक सेकेंड सामने क्या है, विलेज है, वो काफ़ी बड़ा विलेज लग रहा है यार ये तो। अब यार फटाफट से अभी विलेज में चल लेते हैं, और यहाँ पे अभी रात भी होने वाली है यार, मेरे को जल्दी से विलेज में जाके एक बेड का इंतजाम करना है। और यार इधर नीचे आते आते रात भी हो चुकी है, और यार इस वाटर को देखो क्या ही ग्लिच हो रखा है वाटर, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सही में यार माइनक्राफ्ट के काफ़ी ज़्यादा सस्ते नशे हैं। तो फिलहाल जल्दी से अपना नाइट स्किप करते हैं यार, जल्दी से यहाँ पर सोते हैं और अपना हार्डकोर का फर्स्ट डे कंप्लीट करते हैं। तो यार अभी है मैंने इसका फर्स्ट डे एकदम अच्छे से स्किप कर दिया है, मतलब कि यार हमने हार्डकोर में 1 डे सर्वाइव कर लिया है। और इधर मेरे को एक ब्लैक स्मिथ भी दिखाता है, तो सबसे पहले उसको लूट लेते हैं यार, बहुत अच्छी अच्छी लूट मिलेगी उधर। तो 1-2 भाई ये क्या है, 3-3 ब्लैक्स में एक साथ, शाबाश बेटा,
भाई इधर तो फिर तो बहुत अच्छी अच्छी लूट मिल जाएगी यार, डायमंड वगैरह मिल जाए तो और ज्यादा अच्छा है अपने लिए। तो इधर सबसे पहले पहली चेस्ट खोलते हैं, उसमें क्या सामान। ओ भाई पूरा आयधा आयरन आर्मर है यार, पूरी चेस्ट के साथ लूंगा मैं तो सामान सारा। बस यार अभी हम पे लेगिंग्स की कमी और अपने पास पूरा आयरन आर्मर हो जाएगा यार। अभी दो ब्लैक स्मिथ और है तो क्या पता उसमें से मेरे को आयरन या फिर लेगिंग्स ही मिल जाए डायरेक्ट। फिलहाल ये तो मेरे को ट्रेड नॉर्मल से दे रहा है, स्वॉर्ड और एक्स दे रहा है, दूसरे वाले घर में चलते हैं। और यार इधर तो मेरे को एक और चेस्ट लोड और तीन तीन आयरन की पिकैक्स और तीन आयरन भी मिल चुके हैं, और सैडल एप्पल और ब्रेड भी मिल चुके हैं यार। मतलब कि यार अभी फूड की तो ज़्यादा कमी नहीं है, बट अभी फूड तो और चाहिए ही होगा। फिलहाल यार अभी मैं तीसरे चेस्ट घर में आ चुका हूँ और भाई डायमंड मिल गया और ऑब्सीडियन भी। भाई साहब सबसे सही लूट तो इधर थी यार। और अभी मैंने ये एक विलेजर को सोच रहा है इधर ही बंद कर दूँ, ये हमें जाके आर्मर वगैरह देगा भाई अच्छे खासे। तो अभी मैं इसका ये दरवाज़ा ब्लॉक कर दूंगा ताकि ये बाहर ना आ पाए। फिलहाल मैं अभी इधर अपना इस चेस्ट में सारा फालतू सामान डाल देता हूँ। इधर तो मेरे को बुक और ब्रेड ही मिली है बस, तो इधर जो भी मेरे को अभी नहीं चाहिए सामान वो सारा डाल देता हूँ। मैंने अभी इधर अपना सारा सामान डाल दिया और अभी चलते हैं अभी अपने आयरन स्मेल्ट करने के लिए इधर ये ब्लेजर के घर में, जहाँ पे लावा और फर्नेस दोनों मिल जाएगा। फिलहाल मेरे पे जो ये तीन आयरन थे उससे एक बकेट बना लेता हूँ लावा के लिए। फिलहाल इधर अभी सारे आयरन और जो मैंने फूड स्मेल्ट करने के लिए डाले थे वो सारे स्मेल्ट हो चुके हैं, तो अभी फर्नेस लेके अभी यहाँ से चलते हैं। ये जो मेरे पे आयरन पड़े हैं इससे शील्ड और आयरन की लेगिंग्स और टूल्स भी बना लेता हूँ आयरन के। मैं तो अभी हो चुके हैं यहाँ पे फुल आयरन आर्मर, वो भी इतनी जल्दी में। तो यार अभी है अपना लक तो तगड़ा चल रहा है, बट माइनिंग में नहीं लूट में ज़्यादा अच्छा लग चल रहा है। तो अभी हम जाने वाले केवों में, क्या पता वहाँ पे हमको माइनशाफ्ट मिल जाए और वहाँ पे अच्छी खासी लूट हो यार। अभी मैं कुछ केवों में गया था बट ज़्यादा अंदर नहीं गया, तो उधर कुछ ज़्यादा अच्छी लूट मिली नहीं तो वो दिखा नहीं रहा पार्ट। और अभी मैं नीचे चल रहा हूँ, क्या पता इधर बड़ी केव मिल जाए। और इधर से भाई व्यू देखो यार, क्या ही आ रहा है व्यू इधर से। और मैं बड़ी केव इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि यार उधर माइनशाफ्ट ईजिली मिल जाती है और तो और यार उधर डायमंड वगैरह भी एकदम आसानी से मिल जाते हैं। अभी हम आ चुके हैं 20 कोऑर्डिनेट्स पे, इधर आसपास तो एक केव, हाँ भाई मिल गई यार केव फाइनल यार, काफ़ी टाइम बाद केव मिल चुकी है। और इधर सामने लावा भी है बट इधर कोई माइनशाफ्ट दिख नहीं रही क्योंकि ये ओपन नहीं है यार उतनी। अभी यार मैं और नीचे चलता हूँ माइनस पे, और यार इधर तो कोई केव देख नहीं रही है। -32 पे आ चुका यार मैं, कम से कम एक केव तो मिल जानी चाहिए यार, माइनशाफ्ट चाहिए मेरे को, उधर लूट अच्छी खासी मिलेगी यार। और भाई ये कहाँ के गिर गया मैं, ज़ॉम्बी स्पॉनर है इधर, वो भी दो इधर दिख रहे हैं मेरे को, दो दो ज़ॉम्बी स्पॉनर यार। पहले तो सबसे पहले इस पर टॉर्च लगा था, वरना इधर और मॉब स्पॉन हुए दिक्कत हो जाएगी यार। और यार इधर एक केव भी जा रही है जो कि काफ़ी सही है, और यार सबसे पहले तो मैं इधर टॉर्चेस लगा देता हूँ वरना और मॉब आ गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी इधर। और यार इधर काफ़ी सारी चेस्ट है तो इसको भी लूट लेते, जिसमें कि मेरे को एक में से गोल्डन एप्पल और डायमंड और आर्मर मिल गया काम का। और भाई ये दूसरी चेस्ट, और भाई साहब मतलब आज यार क्या ही लक चल रहा है अपना, एनचेंटेड एप्पल तो यार ऐसे ही मिल गया अपने को पहले एपिसोड में। एनचेंटेड एप्पल रेयर है कि नहीं है। बाकी तीसरे चेस्ट में ज़्यादा लूट नहीं है, अच्छी खासी आयरन का आर्मर है बस एक काम का, बाकी कुछ है नहीं अच्छा सा। और इधर थोड़े गन पाउडर और एक गोल्ड है विच इज़ नाइस यार। और भाई इधर हमको गोल्ड का हॉर्स आर्मर भी मिल गया, मतलब कि ऑलमोस्ट सारे हॉर्स के आर्मर है अपने पास, बस एक लेदर हॉर्स आर्मर नहीं है बदलना, तो यार अपने पास सारे हॉर्स के आर्मर है। और यार इधर मैं आ चुका था माइनिंग पे और इधर मेरे को गोल्ड भी दिख चुका है, तो सबसे पहले गोल्ड कलेक्ट कर लेते हैं गोल्ड, क्योंकि अपने पास है नहीं ज़्यादा, एक ही गोल्ड है बस। और मैं अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, मतलब कि यार इस ब्लॉक से हमें एक्सपी मिलती है, मतलब आपको तो पता ही होगा बट मैं बता रहा हूँ समझ लो यार, एक्सपी मिलती है थोड़े टाइम के लिए। मान लो कि मतलब आपको नहीं पता था कि ये एक्सपी इससे मिलती है, मैंने बताया आपको, वैसे मेरे को भी अभी अभी पता चला। और यार इधर गोल्ड पड़ा था तो मैंने वो भी कलेक्ट कर लिया है। और यार इधर वार्डन का सेंसर भी पड़ा हुआ है, मैं अब इसके पास नहीं जाऊंगा भाई, बड़ी दिक्कत हो जाएगी इसके पास गया तो। मैं मतलब कि दिक्कत मेरे को नहीं होगी, वार्डन की होगी अगर वो मेरे से आयरन आर्मर में पिट गया तो। कुछ भी। और फिलहाल यार अपने को इधर डायमंड भी मिल चुके हैं, एक ही है डायमंड दिया ही क्यों, मतलब डायमंड दिया ही क्यों, एक ही देना था। तो मैं बता रहा हूँ यार हार्डकोर में मेरा माइनिंग का ज़्यादा लक नहीं है, इसलिए जो अब डायमंड आर्मर बनने वाला है ना मैं विलेजर से लेने वाला हूँ। और इधर अपने को लैपिस भी मिल चुका है जो कि काफ़ी सही एनचेंटिंग में काम आएगा अपने। और अभी यार ये मेरी दूसरी पिकैक्स है, ये भी टूट गई ना पहुँचते पहुँचते, दिक्कत हो जाएगी यार बड़ी, मैं कैसे जाऊँगा यार।
यार ये मेरी दूसरी पिक्स भी टूटने वाले और अभी तक लैंड नहीं आई। मैं अभी 130 कोऑर्डिनेट्स पे आ चुका हूँ वाई एक्सिस के, यार अभी तक लैंड नहीं आई। मेरे को तो लग रहा है कहीं ऊपर जाते जाते आयरन की पिक्स ना टूट जाए, वरना मेरे को आयरन दोबारा से स्मेल्ट करने पड़ेंगे। तो यार फाइनली अब ऊपर लैंड आ चुकी है, मतलब कि यार वो तो अच्छा हो मेरी पिक्स टूटी नहीं, ये सिर्फ एक दो ब्लॉक की बाकी होगी, बस एक दो ब्लॉक और टूटेंगे इससे। भाई मैं फंस जाता अगर वहाँ पे मेरी पिक्स टूट जाती ना, आयरन स्मेल्ट करना पड़ता तो बहुत टाइम लग जाता उधर। यार मैं अभी सोच रहा कि मैं अभी एक हॉर्स टेम कर लेता, क्योंकि यार अपने पास सैडल भी है और तो डायमंड आयरन और गोल्ड हॉर्स आर्मर भी है। यार अभी ये हॉर्स टेम तो हो चुका है, बट सैडल नहीं है मेरी इन्वेंटरी में। यार हॉर्स प्लीज विलेज तक का चल ले, वहाँ पे मैं तेरे को सैडल बना दूंगा, डायमंड हॉर्स आर्मर दे रहा हूँ यार तेरे को मैं। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। अब यार मेरे को विलेज में जाना पड़ेगा अपना ये सैडल लेने के लिए। सबसे पहले यार इससे मैं ये आर्मर छीन लूं इसका हॉर्स का। मगर क्यों? और यार अभी मैंने इधर से सैडल ले लिया, बट अब मैं उस हॉर्स के पास नहीं जाऊंगा उतने दूर। इधर ही विलेज में यार थोड़े बहुत हॉर्सेज है, तो उसी को टेम कर लेते हैं उनमें से किसी एक को। तो यार मेरे को इधर ये हॉर्स दिख चुका है वाइट कलर का, मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है हॉर्स, तो मैं इसी को टेम करने वाला हूँ। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो यार ये अभी फाइनल टीम हो चुका है, सबसे पहले तो इसको डायमंड हॉर्स आर्मर और सैडल पहनाते हैं यार, इसको लेके चलते बाहर। सबसे पहले तो यार यहाँ से जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि यार ये एक ब्लॉक से नहीं जा पाएगा बाहर। तो यार ये काफ़ी टाइम बाद मेरे को हॉर्स चलाने में मज़ा आ रहा है, कितने टाइम से हॉर्स पर राइड नहीं कर रहा था यार। तो अभी ये हॉर्स हमारे साथ ही रहेगा पूरे इस हार्डकोर के एंड तक, संभालना पड़ेगा इसको पूरा हार्डकोर, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता तब तक इसको संभाल के रखेंगे यार अपन। तो अभी मैं विलेज में आ चुका हूँ और इस हॉर्स को इधर ही रखते हैं, पार्क कर देते हैं इसको। और यार नाइट भी होने वाली है, तो नाइट स्किप करके नेदर में चलते हैं यार। फिलहाल इधर मैंने इसको अच्छे से पार्क कर दिया और किसी भी रैंडम घर में जाके सो जाते हैं अभी, क्योंकि यार अभी अपने पास घर नहीं है कोई सही सा। तो यार स्टार्टिंग में मैंने यहीं के लावा पूल देखा था, ये बगल में मिल गया, चलो काफ़ी ढूंढना नहीं पड़ा। इसको हम ऑब्सीडियन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यार अपने पास डायमंड है, डायमंड की पिकैक्स बनाएंगे। बट यार डायमंड मेरे शायद विलेज में है। ओह शिट, हियर वी गो अगेन। और मैं यहाँ पे ऑब्सीडियन लेने आ गया, विलेज में दोबारा चला यार लेके आते हैं अभी डायमंड की पिकैक्स। अब यहाँ से मैं डायमंड ले लेता हूँ और पिकैक्स बनानी पड़ेगी। एक क्राफ्टिंग टेबल शायद नहीं है मेरे पास, इसको मैंने डबल चेस्ट भी कर दिया ताकि इसमें ज़्यादा सामान मैं रख पाऊँ। इधर मैंने फालतू सामान भी अपना डाल दिया अब। तो अभी यार एक डायमंड की पिकैक्स बना के चलते हूँ ऑब्सीडियन लेने। तो अभी मैं आपसे मिलता हूँ थोड़े ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के बाद। तो अभी काफ़ी ऑब्सीडियन कलेक्ट हो चुके हैं और 3 मेरे घर पर भी पड़े हुए हैं, तो वहाँ से भी ले लेंगे और पोर्टल बनाते हैं यार। तो अभी मैं विलेज में आ गया हूँ और सोच रहा हूँ पोर्टल मैं किधर की तरफ को बनाऊँ। तो अभी मैं पोर्टल इधर ही समुद्र में बना रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे को सेंटर लग रहा है विलेज का। तो फाइनली अब पोर्टल कंप्लीट हो चुका है और मेरे को अभी चाहिए होगी फ्लिंट एंड स्टील, जो कि मेरे पे नहीं पड़ी हुई। ग्रेवल माइन करनी पड़ेगी अब, उसमें आधा घंटा करना लग जाए ग्रेवल से फ्लिंट निकालने में। तो अभी मैंने अपने घर पर भी जाके सारा फालतू सामान रख दिया और इसे फ्लिंट निकालते। और भाई साहब क्या ही लक चल रहा है यार आज, पहले में निकल गई फ्लिंट। अच्छा वो ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें। तो फाइनली अब एक्टिवेट हो चुका है, अब चलते हैं नेदर में। अब नर्ग का दरवाज़ा खुल चुका है, तो चलते हैं नर्ग में। तो नेदर में आने के बाद स्पॉन अपना कुछ ऐसा है कि सोल सैंड बायोम मिली है, सबसे घटिया, जहाँ पे घास्ट पेलती रहेगी अपने को, और मुँह के सामने एक घास्ट भी आ चुकी है, इससे बचना होगा पहले। तो लगता है वो दूर चलेगी, रेंडर नहीं हो रही, तो मतलब अच्छा वो मेरे रेंडिंग चंक्स कम भी हैं, वरना यार घास्ट और मेरी जो पुरानी दुश्मनी है ना, क्या ही बताऊँ मैं। कुछ खास नहीं है नेदर का स्पॉन, बट अगर सोल सैंड में है तो उसके फोर्ट्रेस से अगर मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो सामने रेड वाली बायोम भी है, सही है, कहीं छोटा सा आइलैंड ना हो वरना बेकार हो जाएगा पूरा। तो फिलहाल अभी ओवरवर्ल्ड में चलते हैं, वरना यार इधर कोई घास्ट और सामने ही स्पॉन होगी, वो मेरे को ऐसे ही मार देगी। और स्केलेटन मेरे को मार रहा है, ओवरवर्ल्ड में जाने दे बस एक बार। अरे भाई स्केलेटन की ऐसी की तैसी यार वो मार रहा है यार मुझे, ओवरवर्ल्ड में जाने दे, मेरी क्या दुश्मनी है तेरे से। तो यार अभी मैं फाइनली ओवरवर्ल्ड में आ चुका हूँ, इधर रात भी हो रही है, अभी ये डे स्किप करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं यार। तो यार यही थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। और हाँ कमेंट में ज़रूर बताना कि हमें हार्डकोर सीरीज में आगे क्या क्या करना चाहिए। और यार इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ यार, बातें करते आराम से।
इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और तो यार डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन करो, डिस्कॉर्ड सर्वर जल्दी ज्वाइन करो, पब्लिक एसएमपी में खेलेंगे यार सब खेलते। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जल्दी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।